नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। इंडियन प्रीमियर लीग के 10वें मैच में विराट कोहली की आरसीबी ने रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में हराया। देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग के 10वें मैच में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस टीम को सुपर ओवर में हराया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेले गए इस मैच आरसीबी के 201 रनों के जवाब में मुंबई इंडियंस ने भी 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन बनाए। पोलार्ड 24 गेंद पर 60 रन बनाकर नॉट आउट लौटे, जबकि ईशान किशन आखिरी ओवर में 99 रन बनाकर आउट हुए थे। मुंबई इंडियंस ने सुपर ओवर में 1 विकेट पर 7 रन बनाए, जबकि आरसीबी ने सुपर ओवर में 8 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। आरोन फिंच, देवदत्त पट्टिकल और एबी डिविलियर्स की हाफ सेंचुरी और शिवम दुबे की ताबड़तोड़ 27 रनों की पारी के दम पर आरसीबी ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 201 रन बनाए। एबी डिविलियर्स 55 और शिवम दुबे 27 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। मुंबई इंडियंस की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 2, जबकि राहुल चाहर ने 1 विकेट लिया। जवाब में मुंबई इंडियंस की ओर से ईशान किशन ने 99, पोलार्ड ने नॉट आउट 60 रनों की पारी खेली। आरसीबी की ओर से इसरू उड़ाना ने 2, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल और एडम जाम्पा ने 1-1 विकेट लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN News। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।